Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं डीआरएक सारून रशीद सैयद। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद में फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, क्योंकि पिछले दिनों में रमजान का महीना शुरू था जिसकी वजह से मैं नए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ 5 गलतियों के बारे में। और ये जो गलतियाँ हैं दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये आप लोग रोज़ाना करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो गलतियाँ हैं जो कि आप लोग करते हैं आपकी स्किन केयर रूटीन में, ये इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे देती है, लेकिन बाद में हमें पता नहीं चल पाता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से जो है हमारी स्किन खराब हो गई है। तो आज दोस्तों मैं ये 5 गलतियों को कवर करने वाला हूँ जो कि एकदम साधारण सी गलतियाँ हैं, लेकिन ये आप लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक कर ज़रूर बने रहना। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मिस्टेक से जो कि हम लोग स्किन केयर रूटीन में करते हैं। अब स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होता है हमारे सुबह उठते ही बराबर। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों जो सबसे पहली गलती करते हैं वो करते हैं हम फेस को वॉश करते समय पर। अब ऐसा एक सर्वे में देखा गया है कि लगभग 70-80% लोग जो है वो गलत तरीके का फेस वॉश यूज़ करते हैं, या फिर फेस वॉश यूज़ ही नहीं करते, उसके बदले में साबुन या फिर सोप को जो है फेस को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस बात का दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखिए कि जो सोप होती है वो फैट बेस्ड बनी हुई होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए होती है, मतलब फेस को छोड़कर ओवरऑल बॉडी के लिए आप लोग बाथिंग के लिए सोप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कुछ मेडिकेटेड सोप्स को छोड़कर जो कि पिंपल्स और एक्ने के लिए आती है, सिर्फ वो ही जो है फेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसा कि एक्ने स्टार, क्लियर मेन, इसके अलावा एक्नेटॉइन, इस तरह की कुछ सोप्स होती है जो कि सिर्फ फेस के लिए यूज़ की जाती है। अदरवाइज जो है सोप जो है वो हमारे लिए बाथिंग के लिए, मतलब नहाने के लिए यूज़ की जाती है, अदर बॉडी पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फेस वॉश नहीं यूज़ कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फेस वॉश तो यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो फेस वॉश का चुनाव ही गलत करते हैं। अब ऐसे भी लोग बहुत सारे मैंने देखा है कि जिनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ऑयली स्किन वाले पर्सन का फेस वॉश यूज़ करते हैं। और कुछ लोगों की स्किन जिनकी जो है सेंसिटिव होती है, तो वो पिंपल वाले बंदे का जो फेस वॉश यूज़ कर रहा होता है, इस तरीके से जो है अलग अलग तरह के फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इन फ्यूचर आप लोगों की स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स ही एकदम से तो देखने को नहीं आएंगी, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को ये पहली गलती के वजह से देखने को आ सकती है। इसके बाद में से दोस्तों जो सेकंड मिस्टेक है स्किन केयर रूटीन की, जो कि लगभग सभी लोग करते ही होंगे, ये गलती है फेस को वॉश करने के बाद में गलत टॉवल से आपका फेस को जो है पोछना। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जो है फेस को वॉश किया, तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी कोई टॉवल पड़ा होगा बस उसको उठाया, उसको देखते भी नहीं है कि क्या ये गंदा है, ये कहाँ पर रखा हुआ था, बस जो है हमारे फेस को वो खुद के फेस को जो वॉश वो जो है ऐसा रब करके पोछना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि जो टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं तो क्लीन हो अच्छी तरीके से, उसके ऊपर जर्म्स वगैरह ना लगे हो, क्योंकि जिन के जो है टॉवल्स वगैरह गंदे होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि एक क्लिनिकली जो है रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि जिनके जो टॉवल लोग गंदे होते हैं उनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो टॉवल है या फिर जिससे भी आप लोग आपका जो है फेस को पोछ रहे हैं, तो वो जो है गंदा नहीं होना चाहिए। और इसी में एक और मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो ये होती है कि वो जो है फेस को एकदम रब करके पोछते हैं। अब दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि हमारी जो फेस की जो स्किन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है एक तरह से देखा जाएगा तो हमारे अदर पार्ट से, क्योंकि दोस्तों ये जो स्किन होती है थोड़ी सी हल्की सी पतली होती है, और जब हम जो है ना इसे रब करके एकदम पोछते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया अंदर जाता है और पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा जो है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी टॉवल को रब करने से स्किन पर आती है। तो ये वाली गलती भी जो है बहुत सारे लोग करते हैं। अब इसके बाद में जो थर्ड मिस्टेक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी गर्मी हो रही है, इसलिए जो है आप लोग मेरे जो है गलतियाँ अगर जो हो रही होंगी मेरे बोलने में, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना। तो तीसरी मिस्टेक जो स्किन केयर रूटीन में लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक है दोस्तों मॉइस्चराइज़र का यूज़ ना करना। ये जो मैंने मेरे पिछले जो है स्किन केयर रूटीन में भी बताया था, उसके लिंक ऊपर आई बटन में है, तो वो जाकर ज़रूर से देख लेना। तो तीसरी गलती जो है जो कि लोग करते हैं कि मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करना। अब बेसिकली जो है मॉइस्चराइज़र मतलब ऑयली स्किन वाले पर्सन तो यही समझते हैं कि जिनके ऑयली स्किन है तो उन्हें मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि जो मॉइस्चराइज़र होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम फेस को वॉश करते हैं, टॉवल से पोछते हैं ना, तो हमारी स्किन में से नमी जो है वो उड़ जाती है, जो नेचुरल नमी होती है ना तो उड़ जाती है, जिसके वजह से हमारी स्किन जो है वो ड्राई फील करती है। और अगर से जिन पर्सन की स्किन जो है ऑयली भी है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि जैसे ही आपकी स्किन को ये पता चलेगा, आपके जो है ब्रेन में ये सिग्नल जाएंगे कि हमारी स्किन के ऊपर से ऑयल गायब हो गया, जो एसेंशियल ऑयल होता है, तो जो हमारी स्किन के अंदर पोर्स के अंदर जो
ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो जिन लोगों की स्किन जो है ऑयली है तो उनको भी जो है मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जो है मॉइस्चराइज़र दो टाइप के आते हैं, एक होता है ऑयल बेस्ड, दूसरा होता है वाटर बेस्ड। तो जिन लोगों की स्किन जो है ऑयली है तो वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए, और जिन लोगों की स्किन जो है अदर किसी भी तरीके की हो, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव या फिर ड्राई, तो वो लोग जो है ऑयल बेस्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर बेस्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है तो उनको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर से आप लोग दोस्तों मॉइस्चराइज़र का आपकी स्किन केयर रूटीन में यूज़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ गारंटेड लगभग 80-90% लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन फ्यूचर होने वाली बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि स्किन ड्राइनेस, इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर से जो लचीलापन गायब हो जाता है, झुल्ले वगैरह आ जाती है, उस सारी प्रॉब्लम्स को रोकता है। अब इसके बाद में जो चौथी गलती है, जो कि मैं बोल रहा हूँ 90-95% लोग करते ही है, ये गलती है सनस्क्रीन का यूज़ ना करना। अब दोस्तों इस बात का आप लोग ख्याल कीजिए कि आप लोग चाहे आपकी स्किन के ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दीजिए, लेकिन जब आप आपके घर से बाहर निकलते हैं और सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया है तो क्या होता है कि यूवी रेस सूरज की किरणें जैसे ही टकराती है, यूवी रेस आपकी स्किन के अंदर जाती है और स्किन क्या करता है, मेलानिन को प्रोड्यूस कर देता है। मतलब आपकी स्किन के अंदर से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से स्किन डबल से काली पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इतने पैसे यूज़ कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी में गए तो आपकी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेंगी और आपकी स्किन डबल से काली होना शुरू हो जाएंगी, सनटैन आ जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को भी यूवी रेज एकदम वर्स्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा बेकार आपकी स्किन हो सकती है। तो आप लोग दोस्तों इस बात का ख्याल कीजिए, आप लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद में जो पांचवी मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग करते हैं वो है जंक फूड का खाना। दोस्तों जंक फूड जो है बाहर की चीज़ें जैसे कि कचौरी, समोसा, नूडल्स वगैरह, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद में हमारे पेट के ऊपर भी चिपकती है और इसके साथ में ही इंटेस्टाइन पर भी चिपकती है, जो कि कॉज करती है पिंपल्स को। इसके अलावा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये कॉज करती है और जो है स्किन डार्कनेस में भी ये जो है एक रोल अदा करती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है वो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए बाहर के फूड को, और हेल्दी फूड खाइए। आप लोगों की स्किन गारंटेड दोस्तों कुछ शेड लाइट हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं मैंने उनके ऊपर देखा है कि एक्चुअल में उनकी जो स्किन होती है बाइबर तो वाइट भी होती है, मतलब वो फेयर होती है, लेकिन क्योंकि बाहर का खाने की वजह से डार्क पड़ जाती है। लेकिन जब वो दोबारा से वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो उनकी स्किन का कलर काफ़ी हद तक कर खुल जाता है, स्किन जो है फेयर हो जाती है। तो इस तरीके की दोस्तों आप लोग गलतियां मत कीजिए। ये जो गलतियां है एकदम कॉमन है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही आपकी एज बढ़ेंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी। टीन एज से ये प्रॉब्लम दिखने शुरू हो जाती है और लाइफ टाइम में चलने लगती है, जैसा कि टीन एज के बाद में पिंपल्स की प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती है जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा जो है बाद में झुल्लियाँ जल्दी आ जाती है, मतलब वक्त से पहले ही आप लोगों की स्किन जो है वो एकदम उसका जो है रूप दिखाना शुरू कर देती है। मतलब अब अगर से आपकी एज कम भी है तो आपकी स्किन जो है वो आपकी एज से ज़्यादा ही दिखेंगी। तो इस चीज़ का दोस्तों बिल्कुल ख्याल कीजिए, आप लोगों को जो है इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को आपकी स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें जो अच्छी होती है वो यूज़ करना है। तो अगर से आप लोग चाहते हैं कि मैं उसमें वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना। लेकिन अगर से आप लोग इन चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों लगभग एक महीने में ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर से वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा जो लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके लिए जय हिंद।